नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक प्रजापत मैगजीन से आपका स्वागत करता हूँ। हम आपके साथ आज शेयर करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, डिलीशियस और थोड़ी सी नई रेसिपी है। आप घर पर जरूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छी बनेगी और काफ़ी पसंद आएगी आपको। तो आज हम बनाएंगे अमरूद या गवावा की सब्ज़ी। खट्टी मीठी सब्जी है, 101% बहुत ही डिलीशियस सब्जी है। आप बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बढ़िया सी सब्जी को बनाना। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। अमरूद की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 अमरूद लिए हैं। ये अमरूद न तो ज़्यादा पके हुए हैं न ज़्यादा कच्चे हैं जी। आप चाहे तो ज़्यादा पक्का भी कह सकते हैं। आप ही ऐसे अमरूद का सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करें ताकि सब्जी टेस्ट में काफ़ी अच्छी बनेगी। इसलिए आप, मेरा सजेशन है कि ना तो आप ज़्यादा पके हुए इसमें लें ना ज़्यादा कच्चे। ऐसे पीले का इस्तेमाल करें, आसानी से छिलका उतर जाएगा, वेरी इजीली। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अभी जो अंदर के बीज है ना, ये आपको सारे निकाल देने हैं। क्योंकि अगर ये बीज अंदर रह जाते हैं तो जब आप सब्जी बनाएंगे इनकी, और ये अगर सब्जी में आ जाते हैं तो ये बीज बहुत कड़क होते हैं, तो आपके सब्जी का टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसलिए इन अमरूद को कट कर लेते हैं। ज़्यादा छोटे छोटे कट नहीं करने हैं, बस नॉर्मल कट करना है। तो कटिंग सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं ये मस्टर्ड सीड्स। और ये चुटकी इतना यही। अब हम इसमें ये गार्लिक है चॉप किया हुआ, आपको जैसा पसंद हो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए लहसुन का तो आप इसको किस कर डाल दें, नहीं तो इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आएगा चॉप करने से। और अब हम ये कटे हुए अमरूद डाल देते हैं। एक कटे हुए अमरूद, अगर आपसे ऐसा ना हो तो ना करें, नहीं तो सारी सब्जी कहीं गैस के पीछे ना चली जाए। तो हमने इसको 3 से 5 मिनट तक पका लिया। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच, या आपको जैसा तीखा पसंद हो उसके अनुसार ले लें, आधा एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, सॉल्ट टेस्ट टू सॉल्ट, और ये हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा। और ये हल्दी पाउडर,
करेंगे। इस मसाले को एक दो मिनट पका लिया है, अब हम डालेंगे इसके अंदर पानी। और ये गैस के अंदर पानी, ये पानी। अब हम इसके अंदर ये सौंफ डाल देते हैं। सौंफ से इसकी स्वाद और खुशबू, वाह क्या मजा आ जाएगा आपको। आधा चम्मच सौंफ, और ये हम इसको थोड़ा मीठा करने के लिए ये गुड़ डाल रहे हैं। ये लगभग 100 ग्राम गुड़ डालेंगे हम इसके अंदर, ताकि हमारी सब्जी क्या है कि खट्टी मीठी हो जाए। तो अब हम इसके अंदर ये गुड़ डाल देते हैं। मेरे घर में ये सब्जी बहुत पसंद की जाती है। मैं ऐसा करूँगा कि आपके घर में भी ये सब्जी काफ़ी पसंद की जाएगी। और ये गुड़, ओके। हर जगह कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो या कोई भी घर हो, हर सब्जी को बनाने का अपना अपना अलग अंदाज होता है, अलग तरीका होता है। पर ये रेसिपी वेरी वंडरफुल और आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप घर पे जरूर ट्राई करें और कमेंट्स में लिखें आपकी कैसी बनी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ शेयर विथ मी, आई टेक अ सॉल्यूशन। मैं आपकी कोई भी समस्या का हल जरूर बताऊंगा। तो सब्जी अभी पकनी बाकी है, लेकिन सब्जी की खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है। वाह, दिस अमेजिंग। तो लगभग हमारे गवावा या अमरूद की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी सब्जी पक चुकी है, तो आप इसमें से गवावा या अमरूद का ये टुकड़ा लें और चाकू की उल्टी साइड को यूँ कट करें। अगर ये आराम से कट हो जाए तो समझ लीजिए आपकी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर थोड़ा मुश्किल से कट हो तो समझ लीजिए थोड़ी कसर इसमें बाकी है। तो चलिए लास्ट एंड फाइनल ट्विस्ट ख़त्म करते हैं और इसमें एंड का जो ट्विस्ट है वो डाल ही देते हैं। अब लास्ट में हम इसमें ये आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। एक चुटकी गरम मसाले का स्वाद तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो वही वाली बात है। तो डाल के अच्छी तरीके से मिला लें। वाह, दिस इज नाइस। तो अब गरम मसाला डालने के बाद हम एक दो मिनट तक और पका लेते इसको, ज़्यादा नहीं, बस एक दो मिनट। और अब हम गैस बंद कर लेते हैं। ये लीजिए, तैयार हो गए हमारे गवावा की सब्जी या फिर अमरूद की सब्जी कह लो। और लास्ट एंड फाइनल ट्विस्ट डालते हैं इसके अंदर ये ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। वाह, वेरी लुकिंग नाइस। ये लीजिए, बस हो गया। हरा धनिया थोड़ा सा इधर साइड कर ले।
ओके, दिस इज सो नाइस। तो चलिए, देर किस बात की है, गर्मा गर्म प्लेट में लीजिए, रोटी पराठा जिसके साथ इच्छा खाइए और मजे लूटिए। तो आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी आपको, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको उसका सलूशन जरूर देंगे। लाइक करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपका अमूल्य समय देने के लिए।